पंजाब सीएम भगवंत मान ने अमृतसर का दौरा किया। अमृतसर पहुंचे सीएम भगवंत मान ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कई विकास कार्यों पर चर्चा भी की। इसके बाद सीएम मान श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे और माथा टेका। धनतेरस पर शुरू हुए रोजगार मेले के दौरान सरकार के कई मंत्री भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ में मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान युवाओं को शुभकामनाएं दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उनके साथ चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद, मेयर सरबजीत कौर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और लोगों का कल्याण करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पंजाब सरकार की सख्ती के बाद भी बठिंडा में पराली जलाने का मामला सामने आया। जिले के गांव गुरथड़ी में बड़ी संख्या में किसानों ने पराली जलाई। किसानों ने कहा, हमारे पास पराली के लिए कोई विकल्प नहीं है, गेहूं की बुआई भी करनी है, ऐसे में पराली जलाना मजबूरी है। किसानों का कहना है कि प्रशासन के लोग मुकदमा दर्ज कर किसानों को डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार सही में चाहती है कि पराली जलाने पर रोक लगे तो 6000 प्रति एकड़ की दर से किसानों के खाते में डालें और पराली जलाने से रोका जा सकता है। लुधियाना के आत्मानगर में सफाई कर्मचारी और लुधियाना के जोनल कमिश्नर आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान सफाई कर्मियों ने अधिकारियों से धक्का मुक्की भी की। इनका आरोप है कि नियमों की अनदेखी कर सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। जो लोगों लंबे समय से काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही, इसे लेकर कर्मचारियों ने विरोध भी किया। श्री आनंदपुर साहिब जिले की एसडीएम किरण शर्मा ने नंगल स्थित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र के सही दस्तावेज न मिलने के बाद केंद्र को बंद करा दिया गया। इसके साथ यहां इलाज करा रहे लोगों को उनके परिजनों को सौंप दिया। एसडीएम की जांच में नशा मुक्ति केंद्र को अवैध होने की बात सामने आई। एसडीएम ने कहा कि केंद्र चलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कपूरथला में अवैध पटाखा दुकानों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। प्रशासन की सख्ती के बाद पटाखा कारोबारियों में भय देखा जा रहा है। बता दें कि दिवाली में पटाखा बिक्री को लेकर कपूरथला प्रशासन ने 6 दुकानों को लाइसेंस जारी किए थे, लेकिन शहर में अवैध पटाखा दुकानों की भरमार हो गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर अवैध दुकानों को हटवा दिया। हालांकि बाद में कारोबारियों ने आर्थिक नुकसान को देखते हुए सहमति बनाकर कुछ पटाखा बेचने की रियायत दी। अवैध खनन को लेकर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पर सतलुज नदी से रेत खनन का आरोप है। पुलिस ने अमनदीप सिंह समेत 3 आरोपियों पर रंगदारी का भी केस दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि अवैध खनन को लेकर पंजाब में लगातार सख्ती देखी जा रही है। अजनाला के चमियारी गांव के पास सड़क हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अमृतसर के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजपुरा मंडी के पास गांव के लोगों ने गलत तरीके से जमीन पूडा को बेचने का आरोप लगाया। वहीं किसानों का कहना है कि अधिकारियों ने मिलीभगत से गांव की 1100 एकड़ से ज्यादा जमीन पूडा को दिला दी है, लेकिन उसका सही मुआवजा नहीं मिल सका है। बड़ी संख्या में पटियाला डीसी से मिलने पहुंचे किसानों की डीसी से मुलाकात नहीं हो सकी। किसानों ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।